दोस्तों अभी आप जो ऊपर देख पा रहे होंगे ये है जो बड़ी बड़ी लिफ्टर मशीन है, जो बड़े बड़े सेगमेंट वगैरह जो उठाकर एक जगह से दूसरी। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था बलसार का जो पार रिवर का जो अपडेट था, और मैंने मतलब दो पैकेज का उसमें आपको काम दिखाया था दोस्तों, 90 से शुरू किया था और 192 तक का आपको अपडेट दिखाया था। आज मैं उसी सेक्शन में दोस्तों 195 पैकेज से स्टार्ट करूंगा और आगे तक आपको लेके चलूंगा। जितना कवर होगा उतना पूरा वीडियो कवर करके दिखाऊंगा दोस्तों। काफ़ी लेटेस्ट अपडेट है और इसमें काम पूरी तरह से कंप्लीट जैसा आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखना, वॉच करना। तो वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सेक्शन C4 का जो अपडेट, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको C4 का ही दिखाया था, जो बलसार का अपडेट था, पार रिवर का दिखाया था मैंने। पैकेज नंबर 190 से स्टार्ट किया था और पैकेज नंबर 192 में मैंने ब्लॉग एंड कर दिया था। मतलब तीन पैकेज का आपको काम दिखाया था दोस्तों। अभी मैं ये जो मेरा दूसरी वीडियो है ये 195 से शुरू कर रहा हूँ पैकेज नंबर, और आगे तक देखते हैं कितना कवर होता है। पूरा कवर करके मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। और हालांकि ये सेक्शन C4 में ही आता है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये बड़ौदा से और महाराष्ट्र और गुजरात का बॉर्डर जरौली गांव तक आता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। और ये सबसे बड़ा सेक्शन दोस्तों, भरते हैं आगे की साइड में और आगे की फुल इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सामने तीन पेयर हैं यहाँ पर, और ये इसको बोलते हैं पोर्टल बीम। यानी पोर्टल बीम यहाँ पर क्यों बनाए गए हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं। पोर्टल बीम ज़्यादातर स्टेशन जो होते हैं ना बुलेट ट्रेन के, वहाँ पर बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर 4 लाइन ट्रैक बिछाए जाते हैं, दो अप के और दो डाउन के। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये भी पोर्टल बीम, यहाँ पर दो पोर्टल बीम बनाई गई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। तो आप सामने देख पा रहे होंगे ये सीधा जा रहा है मुंबई की तरफ, और जल्दी आपको महाराष्ट्र का भी अपडेट देखने को मिलेगा। मुंबई का आपको अपडेट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। आपके काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि महाराष्ट्र का अपडेट दीजिए, तो बहुत जल्दी हम आपको महाराष्ट्र का भी अपडेट दिखाने वाले हैं दोस्तों। तो फाइनली इसका जो आप लुक देख पा रहे होंगे ना, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और यहाँ से हम लोग पता करने वाले हैं कि यहाँ पर कहाँ तक ये बन के कम्प्लीट हो चुका है जो लॉन्चिंग का काम है। हालांकि जब पिछली बार जब यहाँ पर आए थे ना हम, लगभग आज से 180 दिन पहले, आपको मैं बताऊँ 6 महीने पहले, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ दोस्तों, पेयर का काम कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ था। काफ़ी सारे गड्ढे थे यहाँ पर, और सिर्फ यहाँ पर पाइलिंग का काम चालू था दोस्तों, मैं आपको बता दूँ। तो ये आप देख पा रहे होंगे ना, काफ़ी तरीके से अच्छे से इसको कवर करके रेडी कर दिया गया दोस्तों। इसमें जैसे कि मैं आपको बताऊँ दोस्तों, इस पर 2 ट्रैक बिछाए जाएंगे, अप और डाउन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ हरियाली है, काफ़ी अच्छी है, बारिश अभी बंद हुई है ना, तो यहाँ पर आप कीचड़ देख सकते हैं, क्योंकि अभी कीचड़ की वजह से रास्ते भी इनके काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए, क्योंकि यहाँ से थोड़ा जाने में हमें दिक्कत होती है। तो आपको सामने यहाँ पर दिख पा रहा होगा, तो यहाँ पर हाइट, यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर हाइट ली गई है, क्योंकि आगे एक बड़ा रोड आने वाला है जो कि धर्मपुर और वलसाड़ के बीच में आता है। हालांकि एक रोड मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था धर्मपुर वलसाड़ का, वो शॉर्ट रास्ता था, कोई छोटा रास्ता था, और इसके आगे एक बड़ा रास्ता आएगा जो मेन हाईवे ही बोलते हैं उसको, इसके लिए यहाँ पर हाइट काफ़ी ज़्यादा ली गई है दोस्तों। तो फटाफट से हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, ये भी जो कि आपको इसका अपडेट देखने को मिलने वाला है दोस्तों। दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, वहाँ से लगभग मैं 500 मीटर लगभग चल के आ चुका हूँ, और यहाँ पे एक थोड़ा सा नाला है उसको क्रॉसिंग करता हुआ, जैसे कि आप सामने पिलर देखते हैं, पिलरों को गोल आकार में लिया गया है, बाकी पिलर सब जो नॉर्मल पिलर होते हैं वैसे ही होते हैं दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये इस साइड से मैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था पार रिवर का अपडेट, और दूसरी साइड में अहमदाबाद की साइड में आपको लेके चलूँगा दोस्तों। और ये मुंबई और अहमदाबाद से 508 किलोमीटर के रूट में दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया 12 स्टेशन आने वाले हैं, और स्टेशन तो मैंने बहुत सारी वीडियो में बताए हुए हैं दोस्तों। तो फर्स्ट सेक्शन ऑफ मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इन गुजरात एक्सपेक्टेड ओपन द 2026 दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, 2018 में दोस्तों इसको स्टार्ट किया गया था बुलेट ट्रेन को मुंबई से अहमदाबाद के लिए दोस्तों, और 2021 में यानी 2018 में इसको फिर से रोक दिया गया था क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, फिर इसको 2021 में स्टार्ट किया, और 2026 में इसको फाइनली चालू कर दी जाएगी दोस्तों। मैं आपको बता दूं आगे भी लेके चलो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी नदी है जो कि यहाँ पर इसके लिए ब्रिज बनाया गया है, वायडक्ट। हालांकि पूरा का पूरा वायडक्ट ही है, लेकिन यहाँ पर जो नदी वगैरह होती है, नदियों के अंदर इसको गोल आकार का पिलर बनाया जाता है। और सामने आप देख पा रहे होंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट, काफ़ी सुंदर नज़ारा है, और ये देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरी तरह से बन के कम्प्लीट है दोस्तों।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ना, अभी हम लोग आ चुके हैं इस तरफ। लेकिन यहाँ से आने के लिए तो हालांकि यहाँ पर एक देख सकते हैं छोटा सा ब्रिज बनाया हुआ है नज़दीक के ऊपर, लेकिन हम लोग इस जगह से आए क्योंकि हमें पूरा का पूरा अपडेट आपको कवर करना था। और अभी हम 195 पर ही हैं, और 195 पर हमने जो स्टार्टिंग किया था उसका पिलर नंबर 2 था, और अभी हम पहुँच चुके हैं पिलर नंबर 14 पर। दोस्तों आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से ही बन के कम्प्लीट है, और इसका फाइनल डेडलाइन जो 2026 की है, और इस पर जो गाड़ियाँ दौड़ेंगे 2027 में, आपको बताओ दोस्तों बुलेट ट्रेन इस जगह पर दौड़ने वाली है। तो दोस्तों आप इस जगह पर आप देख पा रहे होंगे जो कि पूरी तरीके से बन के कम्प्लीट ही है, और हम कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से हम लोग इसको बता सकें, अच्छे से आपको समझ में आए, इसलिए हम दूर से दूर निकलते हैं आप सभी को नया नया अपडेट दिखाने के लिए। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरी तरह से इसका वाइडेट कम्प्लीट है। इसके ऊपर जो काम बाकी रहेगा अभी आपको बता दूँ, रेलिंग का काम बाकी है, पटरियाँ बिछाना बाकी हैं, और अभी 196 पर हम लोग पहुँच चुके हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ पटरियों का भी मटेरियल आ चुका है, जो कि इस प्रकार का कुछ मटेरियल होने वाला है बुलेट ट्रेन का। हालांकि हमारे जो पटरियाँ हैं हमारे भारत में बनाई जा रही हैं, अभी मेक इन इंडिया है। मैं आपको बता दूँ दोस्तों पटरियों का मटेरियल। तो फाइनली आप देख सकते हैं दोस्तों उस रोड पर पहुँच चुका हूँ मैं, जो मेन धर्मपुर और वलसाड़ का जो मेन रोड है, ये सीधा जा रहा है धर्मपुर के लिए यहाँ से, और ये सीधा जा रहा है वलसाड़ के लिए। दोस्तों आप देख सकते हैं वलसाड़ की दूरी यहाँ से लगभग अभी 12 किलोमीटर की है, जो कि आपको मैं बता पा रहा हूँ सीधा, और ये धर्मपुर का मेन रोड है। दोस्तों आप देख सकते हैं पूरी तरीके से बन के ये यहाँ पर भी वाइडेट कम्प्लीट है इसका। तो ये पेयर 196 पिलर नंबर 5 सीधे जाने वाला इंस्टीट्यूट, और आपको आगे का और अपडेट आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों अभी हम, जो कि आप देख पा रहे होंगे ना, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और बन के कम्प्लीट भी है। तो ये दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इस जगह से भी पूरा रास्ता बंद है, और गाड़ी को निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर ये फिर से छोटी सी नदी है जिसके ऊपर होके ब्रिज जा रहा है, और इस नदी के ऊपर एक भी पिलर नहीं आया क्योंकि दोनों को बीच में होके कवर कर दिया, 40 मीटर की डिस्टेंस में इस क्रॉसिंग कर दिया इस नदी को। और अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लोग जाएंगे इस तरफ से सीधा, और वापस हम लोग घूम के फिर इस जगह पर आएंगे दोस्तों, जो कि आपको अपडेट देंगे हम अच्छे से दोस्तों। तो यहाँ से गाड़ी को निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर रास्ता बिल्कुल पूरी तरीके से बंद है दोस्तों, आप देख सकते हैं इस जगह पर। तो दोस्तों अभी हमने हमारी गाड़ी को यहाँ होकर निकाल लिया है, काफ़ी दिक्कतें थी, रोड ख़राब था, और अभी आप देख पा रहे होंगे अभी हम सीधा जाने वाले हैं आगे की तरफ, और जो कि हम 97 तक का आपको अपडेट हम दिखाने वाले हैं। और जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये छोटी सी नदी थी, यहाँ पर पानी का भाव अभी नॉर्मल, इतना ज़्यादा पानी नहीं है इसके अंदर, और वैसे इसको अच्छे से मेंटेन किया गया। यहाँ पर देखते हैं एक पिलर इधर आएगा और एक पिलर इधर, उसके बीच में होके इसको क्रॉसिंग कर दिया गया है, और फटाफट से बढ़ रहे हैं हम आगे की तरफ उस तरफ। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं वीडियो शूट करने में, और आपको खाली चैनल को सब्सक्राइब ही करना है और कुछ नहीं करना है, इतना तो आप सपोर्ट हमें कर ही सकते हो दोस्तों, आपसे हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं है कुछ, बस इतना ही आप कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, और आप देख सकते हैं सामने से जो कि हम आपको ये अपडेट आज दिखाने के लिए आए हैं, बुलेट ट्रेन हमारे भारत का पहला रूट है मुंबई और अहमदाबाद का। दोस्तों बीच में बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली है। तो दोस्तों अभी हम 96 पे जो पहुंच चुके थे पिलर नंबर 14 था उसका, और आगे फिर रास्ते की प्रॉब्लम है, ज़्यादातर रास्तों की दिक्कतें आती हैं अभी
भाई गया उधर के गाड़ी घुमा के लाएगा आगे से निकाल के, लेकिन रास्तों की वजह से हम बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं, अभी आपने देखा ब्रिज के नीचे होके कैसे हमने गाड़ी निकाली थी, उसके आगे फिर से दिक्कत है, पूरा का पूरा कीचड़ है, जो कि बरसात की वजह से कीचड़ में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है वीडियो शूट करने में। ये देखिए दोस्तों, पूरा का पूरा कीचड़ भरा हुआ है सामने। यहाँ आप देख सकते हैं ना, पूरा आगे से कीचड़ है, वहाँ पर गाड़ी को 1% भी निकालने का चांसेस नहीं थे बिल्कुल भी। और यहाँ पर भी पूरी तरीके से बन के कम्प्लीट है इसका वाइड एक दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों, अभी हम पाथरी विलेज के लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे हैं, और इसके पास ये वायडक्ट पूरा यहाँ से पूरा कंप्लीट बन के रेडी हो चुका है। और मतलब मैं आपको बताऊँ दोस्तों, गुजरात में लगभग 70% यानी 70 से 75% काम रेडी हो चुका है ये वायडक्ट का। कुछ पैकेजेस का काम बाकी है, कुछ कुछ जगह पर बाकी है, वो भी बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाएगा। हालाँकि महाराष्ट्र की वजह से थोड़ा अपना काम लेट होने वाला है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ। तो 96 पे पहला नंबर, अभी हम लोग 20 पे पहुंच चुके हैं, यानी अभी आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है बिल्कुल भी। आगे जाने के लिए हमें अभी 5 से 6 किलोमीटर तक घूम के आना पड़ेगा। वैसे भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, फिर आप लोग कमेंट करते हो कि छोटे छोटे पैकेजेस में छोटी छोटी वीडियो बना के दिखाया करो, इसलिए हम लिमिटेड ही वीडियो बना पाते हैं। और आगे देख पा रहे होंगे ना, आगे ये पूरा का पूरा कम्प्लीट आपको दिखाई दे रहा होगा सामने, ये देख सकते हैं आप दोस्तों। हालाँकि यहाँ पर गाड़ी निकालना मुश्किल है, और आगे तक तो रोड सही है इसका। दोस्तों अभी आप जो ऊपर देख पा रहे होंगे, ये है जो बड़ी बड़ी लिफ्टर मशीन है, जो बड़े बड़े सेगमेंट वगैरह जो उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करती है, वही मशीन है दोस्तों। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी, और आप देख पा रहे होंगे इस पर लगभग 200 टायरा बोलते हैं इसको, और इसके अंदर AC वगैरह सारी सुविधा इसके अंदर दी हुई है। इसको 2 जगह से कंट्रोल किया जाता है, आगे से भी पीछे से भी, और ये काफ़ी बड़ी मशीन है दोस्तों जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों ऊपर की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दिखाया बुलेट ट्रेन का लेटेस्ट अपडेट, दिखाया काम कितना हुआ वो भी कम्प्लीटली पूरा वीडियो में आपको देखने को मिला होगा दोस्तों। और ये अपडेट एकदम नया था, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ।